जापान कैसे जाएं, वहाँ पर स्टडी कैसे करें, वहाँ पर वर्क कैसे करें, किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है और क्या क्या प्रोसेस होता है जापान जाने से पहले और जापान जाने के बाद। आइए दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम पहली बात जापान जाने के तरीके सीखेंगे। जापान जाने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर मेन चार तरीके सिखाना चाहता हूँ जो कि बहुत ही आसान और बहुत ही शॉर्ट टाइम में आपको जापान तक पहुँचा सकते हैं। लेकिन इससे पहले हम ये सीखेंगे कि जापान क्यों जाएं। वेलकम टू निहोंगोमैक्स, मेरा नाम है रवि और चलिए स्टार्ट करते हैं। जापान एक बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर, बहुत ही साफ देश है। जापान में डिसिप्लिन फॉलो होता है, साफ सफाई और रूल्स को एकदम फॉलो किया जाता है। कोई सिखाता नहीं है, कोई बहुत पुलिस आपको ये चीज़ें नहीं सिखाएगी, लेकिन आप खुद ही देख के जाके सीख जाएंगे कि किस तरह से डिसिप्लिन फॉलो होता है। काम के टाइम पर काम होता है, पार्टी के टाइम पर पार्टी होती है। यही नहीं, जापान जाके बहुत कुछ और भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से हम जापान जा सकते हैं। मेरे पास एक महीने में लगभग 100 या 150 कॉल आते हैं जो कि मुझसे अलग अलग तरीके पूछते हैं जापान जाने के, जैसे स्टडी वीज़ा के ऊपर, वर्क वीज़ा के ऊपर या टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर। तो मुझे उनको समझाने में काफ़ी टाइम लगता है, 15-20 मिनट, आधा घंटा लग जाता है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं, क्या क्या आपको फ़ायदे हो सकते हैं, किस तरह से आप कॉस्ट रिकवर कर सकते हैं अपनी। तो मैंने सोचा कि आपको एक चीज़ एक वीडियो के अंदर सारी ही चीज़ें पूरी मेरी कोशिश रहेगी आपको बताने की। इसको अगर मैं पूरी तरह से सारी बातें एक्सप्लेन करूँगा तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। मेरी पूरी कोशिश है कि सिर्फ 5-5 मिनट में आपको ये वीडियो एंड तक देखते रहिए। आपको प्रोसीजर के बारे में, कॉस्ट के बारे में, जॉब्स के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूँ। सबसे पहले आता है स्टडी वीज़ा, जो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर और मैं कहूँगा कि सबसे ज़्यादा आसान तरीका है जापान जाने का, अगर आप जापनीज़ लैंग्वेज के स्टूडेंट हैं। अगर आप जापनीज़ लैंग्वेज के स्टूडेंट नहीं भी हैं, आपने बहुत ही बेसिक जापनीज़ तो खैर सीखनी पड़ेगी, लगभग 150 आवर्स की जापनीज़ आपको किसी इंस्टीट्यूट से सीखनी पड़ेगी, या फिर आपको N5 क्लियर करना पड़ेगा JLPT का। अगर आप वो हैं, या फिर अगर आपने N4 N3 तक JLPT को क्लियर किया हुआ है, तो और भी आसान हो जाता है जापान जाना। स्टडी वीज़ा में सबसे पहले बात करते हैं कॉस्ट की। देखिए, कॉस्ट के प्लान्स जो मैं कहूँगा कि 3-4 साल पहले के कंपैरिजन में अब जो है काफ़ी अच्छे प्लान्स आ गए हैं, काफ़ी आपको सस्ते प्लान्स मिल गए हैं। हमारे पास जो भी क्वेरीज आते हैं, हम उनको जो भी उनकी प्रोसेसिंग करवाते हैं, तो सबसे पहले हम उनको सस्ते वाले, बहुत ही अच्छे, बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव प्लान्स के बारे में बताते हैं जो कि वो चूज़ करते हैं। और इसके बाद जो महंगे प्लान्स हैं वो भी आप वो कर सकते हैं। उसमें कॉस्ट ऑफ लिविंग, पढ़ाई का स्टैंडर्ड, लिविंग स्टैंडर्ड, जॉब्स की सैलरी, ये सब लगभग बराबर ही रहता है। तो मेरी रिकमेंडेशन ये रहती है कि आप काफ़ी कम जो कॉस्ट आपके लगे, इनिशियल कॉस्ट काफ़ी कम लगे, उन प्लान्स में जाएं। जैसे कि बात करें अगर ओसाका या आसपास की जो भी स्टेट्स हैं उनमें काफ़ी अच्छे कॉस्ट इफेक्टिव प्लान्स हैं, या फिर अगर टोक्यो की बात करें तो थोड़ा सा आपको महंगा पड़ सकता है, लेकिन वहाँ पर भी आपको अच्छे स्कूल्स, अच्छी कॉस्ट वाले स्कूल्स मिल सकते हैं। अब बात करते हैं कॉस्ट की, एग्जैक्ट कॉस्ट कितनी आएगी आपकी। देखिए, स्टार्टिंग में अगर मैं नंबर्स को यहाँ पर डिक्लेयर करूँगा तो थोड़ा सा मुझे अजीब कॉल्स या अजीब मैसेजेस भी आएंगे, लेकिन इसलिए मैं आप सभी आपको रेंज या फिर रफ फिगर्स में बताना चाहता हूँ कि स्टार्टिंग में अगर आप कोशिश कर सकते हैं कि अगर हम किसी तरह से अराउंड 3-4 या 5 लाख का अरेंजमेंट करके जापान जा सकते हैं स्टडी वीज़ा पर। मैं एक साल की बात करूँगा, जो भी मैं आपको चीज़ें बताऊँगा एक साल का स्टडी प्लान बताऊँगा, तो उसमें आप बहुत ही अच्छी तरह से अपना वर्क वीज़ा, सॉरी स्टूडेंट वीज़ा, उसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है, जैसे कि सबसे पहले आपको COE क्लियर करवाना होता है। COE के लिए आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स, वर्क डॉक्यूमेंट्स अगर हैं तो, या आपके जो जापानीज़ लैंग्वेज स्टडी डॉक्यूमेंट्स हैं वो चेक होते हैं।
उसके बाद आपका एक पर्पज़ ऑफ स्टडी बनता है, उसकी भी आपको थोड़ी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, वो भी सब हम प्रोवाइड कराते हैं। और आपको फिर एम्बेसी के अंदर अप्लाई करना पड़ता है, जो भी आपके जैसे जिन कॉलेजेस से टाई अप होता है वो कॉलेजेस पहले एम्बेसी के अंदर अप्लाई करते हैं, और उसके बाद फिर एम्बेसी से जब COE रिलीज होता है तो यहाँ की दिल्ली की एम्बेसी में आप लोग अप्लाई करते हैं, और उसके बाद वीज़ा निकलने के बाद आपको वीज़ा निकलने से पहले आपको फ़ीस पे करनी होती है, और वीज़ा निकलने के बाद आपको जापान फ्लाई करना होता है। अब बात करते हैं कि फ़ीस पे करने के बाद अब हम इसको एक साल के अंदर किस तरह से रिकवर करेंगे और एक साल के अंदर हम थोड़ी सी कमाई भी कैसे कर पाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, पहली बात कि स्टडी पर्पज़ पे जो लोग जापान जाते हैं उनका सबसे पहला मेन मकसद होता है, कॉलेजेस का मेन मकसद होता है कि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा पैसा ना कमाने के ऊपर सोच के पढ़ाई के ऊपर फोकस करें। मैं भी पर्सनली स्टूडेंट्स को जब मैं जापान भेजता हूँ तो मैं यही रिकमेंड करके भेजता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा पैसा कमाने के ऊपर फोकस ना करें, क्योंकि अगर आपने एक साल अच्छी तरह से पढ़ाई कर ली तो उसके बाद तो आप चाहे जापान में चाहे इंडिया में बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा, 3 गुना 4 गुना ज़्यादा पैसा, जो कि बिना जापान जाए स्टूडेंट्स पहले स्टडी करते हैं 3 साल 4 साल की, उसके बाद फिर 2-3 साल वर्क करते हैं इंडिया में, फिर उसके बाद वो अच्छी सैलरी पर आ पाते हैं, तो आप पहले ही साल में स्टार्ट कर सकते हैं। इसलिए पहली बात कि अपना फोकस रखिए कि मुझे बहुत ज़्यादा पैसा कमाने के ऊपर ना रख के पहले अपनी जापानीज लैंग्वेज को अच्छा करना है। जापानीज लैंग्वेज अच्छा करने की बात करें तो स्टडी वीज़ा पर जैसे ही आप जापान पहुँचे पहले ही 2-3 महीने में बिल्कुल आप कंफर्टेबल हो जाते हैं। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मेरे दोस्तों का एक्सपीरियंस है, मेरे स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंस है कि 3-4 महीने से हम नेटिव की तरह बोलना शुरू कर देते हैं, और इंडिया के जो कंपनीज़ हैं वो भी यही चाहती हैं कि हमें एक ऐसा स्टूडेंट मिले, एक ऐसा जापानीज़ लैंग्वेज का एक्सपर्ट मिले जो कि नेटिव की तरह बात कर पाए, नेटिव से बात कर पाए, उसके कल्चर के हिसाब से बात कर पाए, उसकी टोन के हिसाब से कौन सा क्वेश्चन पूछना है, कौन सा क्वेश्चन नहीं पूछना, कौन सी बात करनी है, कौन सी बात नहीं करनी है, ये सब उसको बताओ, ये सब आपको एक साल के अंदर एकदम परफेक्ट आ जाता है। तो मेरी पहली रिकमेंडेशन है कि अगर आप जापान जाते हैं और स्टडी वीज़ा पर जाते हैं तो एक साल आप अपना स्टडी के ऊपर फोकस रखें, पैसा थोड़ा बहुत आप कमा सकते हैं, घर भी भेज सकते हैं, घर भी सेव करके ला सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा क्योंकि वहाँ जाके स्टूडेंट्स आपस में जब एक दूसरे से मिलते हैं तो वो अलग अलग तरीके निकाल लेते हैं, लीगल तरीके, जो कि आप और भी ज़्यादा पैसा कमा के इंडिया ला सकते हैं, तो फिर वो अपना पढ़ाई का फोकस छोड़ देते हैं। एक दो स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो क्लासेस में ना जा करके वहाँ पर भी जॉब, पार्ट टाइम जॉब, आरुबाई तो उसको लेते हैं, और वो दो आरुबाई तो करते हैं, तो ये सब चीज़ें मैं मना करता हूँ, क्योंकि पहली बात कि आपको उतना लीगल नहीं है, उसके लिए आपको बहुत सारी और भी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, और दूसरी बात कि आप अगर आधा टाइम अपना पढ़ाई आधा टाइम जॉब करते हैं तो आप कंफर्टेबली अपनी सारी कॉस्ट को भी रिकवर सकते हैं, एक साल की पूरी कॉस्ट को रिकवर कर सकते हैं, अपना वहाँ पर रहने का, खाने का, इलेक्ट्रिसिटी बिल, पानी का बिल, सब रिकवर कर सकते हैं, और थोड़ा सा पैसा बचा भी सकते हैं। बस ये कोशिश करिए कि वो पैसा बहुत थोड़ा सा ही मुझे बचाना है, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं बचाना है। कोशिश करिए तो ऐसा टारगेट बनाइए, आपको सुनने में अजीब लगेगा कि एक साल मैंने जितना पैसा लगाया है बस मुझे वो ही रिकवर करना है और पैसा नहीं कमाना है, बाकी अगर मैं कमाता भी हूँ तो मुझे जापान में ही उसको खर्च करना है, ट्रैवल करना है, लोगों से मिलना है, पार्टीज़ करनी है, देखना है जापान का कल्चर, अलग अलग फंक्शंस में पार्टिसिपेट करना है, अलग अलग कॉन्सर्ट्स में जाना है, लोगों से मिलना जुलना है, ट्रैवल करना है। चलिए तो अब हम बात करते हैं कॉस्ट रिकवर कैसे होती है। कॉस्ट रिकवर होती है जैसे कि आपने इनिशियल पेमेंट करी है तो उसके अंदर कुछ स्कूल्स होते हैं जो कि पूरा एक साल का प्लान लेते हैं, एक साल का एडवांस पूरी पेमेंट लेते हैं, कुछ स्कूल्स होते हैं जो स्टार्टिंग के 3-4 मंथ्स की पेमेंट लेते हैं, उसके बाद फिर आप वहाँ जाके आरुबाई तो करके पैसा कमा सकते हैं। आरुबाई तो आपको पहले ही महीने में मिल जाती है, अगर आपका लेवल N3 N4 है, N5 का लेवल है तो एक महीने के अंदर थोड़ा बहुत आपको जैसे जिसमें कम जापानीज़ लैंग्वेज की ज़रूरत होती है वो जॉब्स मिल जाती हैं, तो जॉब्स तो आपको मिल जाती हैं, जॉब्स की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, आरुबाई तो आराम से मिल जाती है। परमानेंट, एक बात ध्यान रखिए, परमानेंट जॉब अलग होती है, जब मैं बोल रहा हूँ जॉब तो स्टडी वीज़ा के अंदर जो जॉब होती है वो मैं बात कर रहा हूँ हमेशा आरुबाइतो की, यानी कि पार्ट टाइम जॉब की, जिसके अंदर वर्क वीज़ा नहीं है, वो स्टूडेंट वीज़ा ही है। जो वर्क वीज़ा होता है परमानेंट जॉब होती है, उसके बाद मैं इस सेक्शन को ख़त्म करने के बाद बताऊँगा। तो कॉस्ट की मैं बात कर रहा था कि कॉस्ट आप रिकवर कर सकते हैं अपनी कि आरुबाइतो का जो जितना भी आपको मनी होता है वो लोग, इनफैक्ट कॉलेज वाले ही आपको पूरी हेल्प करते हैं, पूरा आपको गाइड करते हैं कि आपको अगर इतने इतने एक्सपेंस आप करोगे तो इतना इतना आपका सेविंग हो सकती है, इस तरह से आप अपने लिविंग कॉस्ट को कम कर सकते हैं, इस तरह से आप सेविंग कर सकते हैं, वो स्कूल भी आपकी हेल्प करता है। तो कॉस्ट की जो पेमेंट की ट्रांसफ़र होती है सब स्विफ्ट कोड से होती है, आपके बैंक अकाउंट से डायरेक्ट जापान के बैंक अकाउंट में स्विफ्ट कोड से पेमेंट होती है। चलिए बात करते हैं जापान जाने के फ़ायदों के बारे में। देखिए ये तो अनगिनत फ़ायदे हैं, ना ही आपको जापानीज़ लैंग्वेज में, ना ही आपको ना सिर्फ आपको जापानीज़ लैंग्वेज में, ना सिर्फ आपको वर्क कल्चर में, बल्कि आपको
लाइफ के बारे में भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। जो डेवलप्ड कंट्री में रहने का फ़ायदा होता है वो अंडर डेवलप्ड कंट्री से कंपैरिजन में बहुत बहुत ज़्यादा आपको नॉलेज देता है, ये सबसे बड़ा फ़ायदा होता है। दूसरी बात, जापान से वापस आने के बाद अगर आप इंडिया में जॉब ढूंढते हैं तो बहुत ईजिली आपको जॉब मिल जाती है। बहुत ही बहुत ही बहुत ही कम ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको थोड़ा सा भी स्ट्रगल करना पड़ा है, थोड़ा सा मतलब 2-3 महीने तक जॉब नहीं मिली है मुझे जापान से आने के बाद भी, ऐसा कोई भी नहीं होता है। और सैलरी भी बहुत बहुत अच्छी होती है, इनफैक्ट उनको सबसे पहले इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, उनको सबसे पहले जॉब दी जाती है। अब बात करते हैं कि जापान के फ़ायदों में सबसे पहले आता है जापानीज़ लैंग्वेज का। अगर आपका N4 N5 का लेवल है तो आपका N2 N1 तक का लेवल पहुंच सकता है, अगर आप इस तरीके से जो मैंने आपको बताया ईमानदारी से ऑनेस्टली पढ़ाई करते हैं वहाँ पे। और नेटिव से तो आप बात कर ही रहे हैं तो स्पोकन में भी आप बिल्कुल जापानीज़ लैंग्वेज जापानीज़ नेटिव के आसपास पहुंच जाते हैं, और JLPT के अंदर आप लगभग N2 N1 तक पहुंच जाते हैं एक साल में। अब बात करते हैं कि इसके अलावा क्या फ़ायदे होते हैं। इसके अलावा भी फ़ायदे होते हैं लेकिन उसमें से थोड़ा सा डिसएग्री करने वाले स्टूडेंट्स भी होंगे, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स हैं जो जापान में वहीं पर रहते हैं और वहीं पर फिर बिज़नेस आइडियाज़ को एक्सप्लोर करके बिज़नेस भी करते हैं। लेकिन इसके लिए काफ़ी और भी मिटिगेटिव्स हैं, काफ़ी इन्फॉर्मेशन डिटेल्ड है तो वो अभी ना डिस्कस करके मैं आपको आने वाले वीडियोज़ के अंदर कोशिश करूँगा आपको बताने की। अब बात करते हैं कि जापान से वापस आने के बाद आपको जॉब जो है, मैंने जैसा बताया कि आपको इंडिया में भी, इनफैक्ट जापान में भी वहीं के वहीं आप जॉब में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, अपने वर्क स्टूडेंट वीज़ा को वर्क वीज़ा के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। बताने के लिए और भी बहुत कुछ है, जैसे कि प्रोसेस क्या होता है। जैसे कि प्रोसेस में सबसे पहले आपको एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स, प्रोसेस डॉक्यूमेंट्स के बाद आपका फॉर्म फिल होता है। फॉर्म फिल किस तरह से होता है, फॉर्म फिल के अंदर क्या क्या गलतियाँ हो जाती हैं, क्या क्या किस वजह से COE नहीं आ पाता है। COE का मतलब होता है सर्टिफिकेट ऑफ एडमिशन, सॉरी सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी। एक COE होता है, एक COA होता है। COA का मतलब होता है सर्टिफिकेट ऑफ एडमिशन, तो ये दोनों साथ साथ ही आते हैं और इनके ही थ्रू वीज़ा लगता है। एक बार ये आ गए तो उसके बाद वीज़ा एक तरह की फॉर्मेलिटी रह जाता है, उसके लिए फिर ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी है। तो ये था स्टडी वीज़ा के बारे में। अब बात करते हैं वर्क वीज़ा के बारे में। वर्क वीज़ा के लिए बताने के लिए दो बातें हैं। वर्क वीज़ा के अंदर अगर आपको जापान जाके वर्क करना है तो इसके अंदर सबसे पहला हम तरीका ये देखते हैं कि जापानीज़ कंपनी में आप काम कर रहे हैं ऑलरेडी 2 साल या 3 साल, तो उससे ही आपका चांस बन जाता है जापान जाने का, अगर आपको जापानीज़ लैंग्वेज अच्छी आती है तो। जापानीज़ लैंग्वेज अच्छी का क्या मतलब है, अगर आपको N4 N3 का भी लेवल है आपका, और या फिर थोड़ा सा भी स्पोकन लेवल है, आपकी थोड़ी सी इंटरेक्शन है जापानीज़ नेटिव से, तो आपको बहुत अच्छा चांस बन जाता है कि आप उस कंपनी के ही थ्रू, जिसमें आने जाने का खर्चा, रहने का और वहाँ की सैलरी, यहाँ की सैलरी, तो ये काफ़ी अच्छा तरीका है। दूसरी बात कि कंपनी के थ्रू वो लोग जा सकते हैं जो कि जापानीज़ कंपनी में है, या फिर और दूसरी बात किसी और फील्ड के बेस पर उन्होंने जॉब लिया, जैसे कि बीटेक है, मतलब इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है। अब बात करते हैं वर्क वीज़ा की, जो वर्किंग नहीं है लेकिन यहीं से जापान में डायरेक्ट जॉब लेना चाहते हैं। ये थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि इसके अंदर पहली बात जापानीज़ लैंग्वेज के अंदर ही आपके सारे इंटरव्यूज़ होते हैं, जापानीज़ लैंग्वेज में ही आपका रिज्यूम बनता है, जापानीज़ लैंग्वेज ही आपकी मेन कोर कॉम्पिटेंसी है जिससे आपको जापान के अंदर जॉब ढूंढनी है। इसमें मैं कहूँगा कि N2 N1 लेवल जो है वो आप ये ना सोचें कि मुझे N2 पे भी उनकी रिक्वायरमेंट है जॉब की, मैं N2 ही करूँगा तो जाऊँगा, नहीं। आपको N1 लेवल तक का टारगेट बनाना है, और स्पोकन लैंग्वेज तो ऐसी होनी चाहिए जो कि जापान के लोग जिस तरह से इंटरव्यू देते हैं उस तरह से भी, उससे भी अच्छा आपको इंटरव्यू देना है, तब जाके आपकी जॉब लग सकती है। इसके लिए भी देखिए मुश्किल कुछ भी नहीं है, मैंने हमेशा स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया, कोई भी मुश्किल चीज़ हो तो आप उसके लिए 3 महीने का टारगेट बनाओ और दिन रात उसके लिए काम करो, तो हमारी फील्ड के अंदर कोई भी चीज़ चाहे वो N2 हो, N1 हो, जापान में जॉब हो, 3 महीने से ज़्यादा कोई भी चीज़ नहीं है, दिन रात उसके ऊपर अगर आप काम करें तो। एनीवेज ये तो बहुत लंबा मतलब साइकोलॉजिकल चीज़ हो जाएगी, इसके लिए मैं कितना भी लेक्चर दूँ वो ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। तो वर्क वीज़ा के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, किस किस तरह के प्रोसेसिंग होते हैं, ये कंपनी टू कंपनी डिफर करता है, कंपनी टू कंपनी अलग होता है। अगर आप अपनी तरफ से जा रहे हैं तो इसके लिए जैसे जापानीज़ में रिज्यूम, जैसे मैंने बताया इंग्लिश में रिज्यूम आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी प्रोफिशिएंसी। और एक और तरीका होता है कि आप टूरिस्ट वीज़ा पर जाके वहाँ पर वर्क सर्च कर सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ कुछ कंपनीज़ होती हैं जो इसको इलीगल मानती हैं, कुछ कुछ कंपनीज़ लीगल मानती हैं। तो चलिए अब हम अपने फोर्थ सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, टूरिस्ट वीज़ा। जी हाँ, टूरिस्ट वीज़ा जो है वो सबसे आसान तरीका है। इसके लिए आप डायरेक्टली किसी कंपनी में जाके, ट्रैवल कंपनी में जाके अप्लाई करके टूरिस्ट वीज़ा ले सकते हैं, जापान जा सकते हैं अगर आपके पास पैसा है। 3 महीने का वीज़ा मिलता है, आप कितने भी टाइम रह सकते हैं। अगर आपके पास कम बजट है आपका,
तो आप खुद भी वीज़ा ले सकते हैं बिना किसी कंपनी में अप्लाई किए, खुद भी आप उसके लिए जैसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एक गारंटी लेटर चाहिए होता है, एक शेड्यूल लेटर चाहिए होता है और एक इनविटेशन लेटर चाहिए होता है। किसी जापनीज़ को आपको कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा जो कि ये सारी चीज़ें आपको दे ओरिजिनल में, उसके बाद आप टूरिस्ट वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपका एक टारगेट स्पेसिफाइड होना चाहिए कि मैं उस जापनीज़ से मिलने जा रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ, कब वापस आऊँगा, ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। और टूरिस्ट वीज़ा जो है आपका विद इन लाइक अराउंड 7 डेज या 8 डेज़ के अंदर आ सकता है। और आपको जापान फ्लाई करने के लिए टिकट्स वगैरह खुद परचेज करनी होती हैं और शेड्यूल वगैरह भी खुद ही डिसाइड करके एम्बेसी को बताना होता है। तो ये सारी बातें थी वीज़ा के बारे में। आपको ये 4 तरीके जो हैं जापान में जाने के लिए बहुत आसान, बहुत छोटे और बहुत मैं कहूँगा कम मेहनत के तरीके हैं। बाकी सारे भी और बहुत सारे तरीके होते हैं, लगभग 10-15 तरीके मैं आपको बता सकता हूँ। जैसे कि अगर आप किसी रिलीजियस पर्पज़ से जा सकते हैं तो वो भी एक तरह का बिजनेस माना जाता है जापान में। अगर आप किसी कुक वीज़ा पर जाते हैं वो भी एक तरह का अलग वीज़ा होता है। कुक वीज़ा का मतलब जैसे कि किसी रेस्टोरेंट के अंदर कुक की तरह आप जाएं, लेकिन उसके लिए भी आपको पहले ओरिजिनली ये प्रूव करना पड़ेगा मैं कुक ही हूँ, मैंने यहाँ पर भी कुक का ही काम करा है। और भी जैसे स्पेसिफाइड प्रोफेशंस होते हैं उनके अंदर भी वीज़ा के बड़े सारे अलग अलग कुछ कुछ काम नहीं करने होते, कुछ कुछ काम करने होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। या आप वेबसाइट पर भी जाके सर्च कर सकते हैं, एम्बेसी में जाके भी इंक्वायरी कर सकते हैं। मैं कहूँगा अभी जो जैपनीज लैंग्वेज स्टूडेंट हैं वो स्टडी वीज़ा और वर्क वीज़ा इन दोनों को अपना टारगेट बना के जैपनीज लैंग्वेज पढ़ें। आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। हमारे इसी तरह के आने वाली वीडियोज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इससे आपको हमारे जैपनीज लैंग्वेज के ट्यूटोरियल्स भी और जापान कैसे जाएँ या जापान के बारे में और इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी कुछ मिलेगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।